नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। फटाफट देख लेते हैं आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ चौपाल की 150 अहम खबरें। बांसवाड़ा शुरुआत करेंगे, जहां जिले के चिड़ियावास पंचायत भवन से सरपंचों का एक दल दिल्ली के रवाना हुआ। यह दल दिल्ली में मनरेगा योजना के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगा। दल की रवानगी से पहले सरपंचों और ग्रामीणों का स्थानीय ग्रामीणों ने स्वागत किया। स्थानीय सरपंच मनीषा ने सबका आभार जताया। बांसवाड़ा के घाटोल में रानीबाई का मायरो कथा का विमोचन किया गया। इसमें रोजाना कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे। वैष्णव समाज घाटोल इसका आयोजन करवा रहा है। 3 दिन से इस कथा का आयोजन जारी है। बांसवाड़ा के खींच गांव में भगत सिंह सेना संगठन ने स्वच्छता अभियान चला रखा है। इसके तहत युवा मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। अभियान के तहत रविवार और सोमवार को सफाई की जाती है। इसके तहत बस स्टैंड के पास वर्षों से जमा गंदगी को साफ किया गया। बांसवाड़ा जिले के चंदूची का गढ़ा गांव में बस स्टैंड से आशापुरा मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ नाली नहीं बनाई गई है, जिससे गंदा पानी सड़क पर आकर जमा हो गया। सड़क पर जमा गंदे पानी से बदबू आने लगी है, जिससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में पंचायत का ध्यान भी दिलाया, लेकिन इस परेशानी को लेकर पंचायत प्रशासन गंभीर है। बांसवाड़ा जिले के घड़िया गांव में नालियां नहीं होने से गंदा पानी पशु चिकित्सालय और भवन परिसर में आ रहा है। करीब 1 महीने से जमा गंदा पानी सड़ने से बदबू आने लगी है, इससे पशु चिकित्सालय और लैंपस कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई। बारे में सरपंच और पंचायत को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत उमरच के साथ 4 गांव में नहरी पानी नहीं पहुंच रहा है। परेशान लोगों का गुस्सा सिंचाई परियोजना कार्यालय में फूट पड़ा। 5 गांव के लोग चंबल सिंचाई परियोजना कार्यालय के बाहर पहुंचे। अधिकारी नहीं मानने पर मिलने पर हंगामा किया। करीब 3 घंटे बाद कार्यालय पर अधिकारी पहुंचे। विभाग के अधिकारी ने 4 फरवरी को रायता माइनर में पानी पहुंचाने का वायदा किया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और कार्यालय से वापस गए। बूंदी जिले के देई के लीला गांव में 4 दिन से चल रहे चौथ माता मेले का समापन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रात भर चले कार्यक्रमों को देखने के लिए लोग यहां पर जमकर उमड़े। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत अनेठा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी की दूसरी इकाई ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल कैंपस में साफ सफाई की गई और छात्रों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया। बूंदी जिले में देई ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थित देवनारायण मंदिर से नंद गांव तक शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, साथ ही अखाड़ों की ओर से कर्तव्य भी दिखाए गए। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत जजावर से 13 साल का एक छात्र लापता हो गया। छात्र अपने घर से स्कूल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने काफी तलाश के बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर के जैतसर में जभाणी हरिकथा का समापन हुआ। इस मौके पर हवन का आयोजन किया गया। इससे पहले बिश्नोई मंदिर धर्मशाला में रात्रि जागरण भी किया गया। आयोजन में बिश्नोई समाज के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 21 के लोगों को आवाजाही में अब सुविधा होगी। वहां सीसी रोड का काम शुरू हो गया। वार्ड में 10 लाख की लागत से सीसी रोड बनवाई जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस सड़क का शिलान्यास किया। लंबे समय से यहां पर सड़क की मांग की जा रही थी। सड़क बनने से अब लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारत पेट्रोलियम की तरफ से जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन तेल बचाओ गैस बचाओ पखवाड़ा के तहत किया गया। इसके जरिए ईंधन बचाने का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में एक निजी स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।
श्रीगंगानगर खानवाली गांव में ग्रामीणों के सहयोग से दो दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का फाइनल गांव सात केएनडी और खानवाली के बीच हुआ। सात केएनडी की टीम विजेता रही। श्रीगंगानगर जिले की बिलोचिया पंचायत के गांव 34 जीबी की शमशान भूमि पर किसी ने खराब ईंटें डंप कर दी। शमशान में ट्रॉली से भी ज्यादा खराब ईंटें इस तरह फेंकी गई हैं कि अंतिम संस्कार के लिए यहां जगह नहीं बची है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर जिले की पंचायत शिवपुरी में जलदाय विभाग की लापरवाही से लोगों के लिए परेशानी का सबब यह बन गया है। यहां जलदाय विभाग की टंकी से आ रही पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। इससे पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा बल्कि सड़कों पर फैल रहा है। यहां पानी की मोटर के पास में बिजली के तार भी खुले हुए हैं। इससे कभी भी करंट आने का खतरा बना हुआ है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में दादा पम्मा राम के मेले की तैयारियां जोरों पर है। मेला 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। डूंगरपुर जिले के गैंगजी गांव में सूखी घास से भरा एक ट्रक बिजली के तारों को की चपेट में आ गया। आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को तालाब के किनारे खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने आग बुझाई लेकिन इस दौरान ट्रक ड्राइवर मामूली रूप से झुलस भी गया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में एक निजी स्कूल में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन बेहतर करने पर चर्चा की गई। डूंगरपुर के दंबोला गांव में गजानंद त्रिवेदी ने अपनी मातृभूमि प्रेम की मिसाल पेश की है। यहां लाखों रुपए के विकास कार्य करवाए। गजानंद त्रिवेदी अमेरिका में काम करते हैं लेकिन उन्होंने गांव में मंदिर का बगीचा और स्कूल के खेल मैदान का कायाकल्प करवा दिया है। इसके अलावा उन्होंने गांव में महानगरों की तर्ज पर शौचालय भी बनवाए हैं। उन्होंने अपने गांव में ये सारे काम अपने माता पिता की याद में करवाए। डूंगरपुर जिले के दामड़ी गांव में सरपंच सुरमाल परमार सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष चुने गए। संघ के चुनाव में जीतने पर जिले भर के सरपंचों ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया। डूंगरपुर जिले के फलोज गांव स्थित बगड़ विद्या विहार में धार्मिक सम्मेलन किया गया। इसमें सुख शांति के लिए सत्संग करने पर संदेश दिया गया। जयपुर के फागी में गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मंत्री हेम सिंह भड़ाना थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय गुर्जर समाज की 280 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गुर्जर छात्रावास में किया गया। जयपुर में कोटपुतली के पास शुक्लावास में जीवन बचाओ आंदोलन के तहत धरना और क्रमिक अनशन जारी है। आंदोलन अवैध खनन ओवरलोडिंग और हैवी ब्लास्टिंग के विरोध में किया जा रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में आईआईटी दिल्ली के छात्र भी शामिल हो गए। उन्होंने इसे सोशल मीडिया तक ले जाने की जरूरत बताई। आंदोलनकारियों ने 8 फरवरी को पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम और पीएम को भेजने के लिए पोस्टकार्ड अभियान भी शुरू किया जाएगा। जयपुर जिले के रेनवाल में स्थित सीएचसी में जनरेटर होते हुए भी बिजली नहीं होने पर मरीज परेशान है। काम में नहीं लेने से जनरेटर खराब हो चुका है। साल 2009 में केंद्र सरकार ने ये 4 लाख रुपए का जनरेटर अस्पताल में भिजवाया था जिससे एक आध बार से ज्यादा काम में नहीं लिया गया। इंडोर वार्ड में खुले में लगाए जनरेटर अब जंग खाकर कबाड़ हो चुका। मरम्मत और डीजल के खर्च के चलते अस्पताल प्रबंधन से शुरू करवाने में रुचि नहीं दिखा रहा। जयपुर में आमेर पंचायत समिति ग्राम पंचायत बगवाड़ा में गंदे पानी की निकासी के इंतजाम बिगड़े हुए हैं। ऐसे में रास्तों पर गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहां बड़े क्षेत्रों में पानी के लिए निकासी का जरिया ही नहीं है। नाली में भी कचरा भरा हुआ है जिससे नालियां रुक गई। गंदे पानी के जमाव से क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 12 के काचरी गांव में ग्रामीणों ने सरपंच का स्वागत समारोह आयोजित किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों की मंजूरी पर खुश। यहां सरपंच ने 16 लाख के विकास कार्य मंजूर करवाए। 12 के अटू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। ये लोग रोहित वेमुला मामले में राहुल गांधी के बयानों का विरोध कर रहे थे।
बारा के वैखरा गांव में मामूली विवाद को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक परिवार ने पड़ोसी के परिवार पर हमला कर दिया। हमले में एक परिवार के साथ लोग घायल हो गए, इसमें से दो को गंभीर हालत में बाढ़ रेफर किया गया। बारा के ससवाली में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने संकल्प 2016 का विशाल पथ संचलन निकाला। बारा के अंतर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में क्षेत्र के भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोटा के दिगोद क्षेत्र में सरसों और मेथी की खड़ी फसल में चेपा रोग लग गया है, इससे किसानों को चिंता सता रही है। मौसम में बदलाव और तापमान बढ़ने से चेपा रोग लग गया, इससे प्रति बीघा 50 किलो तक उत्पादन घटने की आशंका। साथ ही धनिया की फसल में लोगिया रोग लग गया है, चेपे की वजह से रागीरों को भी परेशानी हो रही है। कोटा के बुढ़ादित में स्थित 11वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर स्टोन कैंसर की गिरफ्त में है, इससे मंदिर में लगी एक और की मूर्ति टूटकर अलग हो गई। स्टोन कैंसर और सीलन की वजह से मंदिर जर्जर होता जा रहा है। यह हाड़ौती का इकलौता डूबते सूर्य की मूर्ति वाला मंदिर है। खास बात यह कि इसे संरक्षित इमारत भी घोषित किया गया, लेकिन पुरातत्व विभाग की अनदेखी से मंदिर धीरे धीरे गिरने के कगार पर पहुंच गया है। कोटा के सुल्तानपुर में धरणीसर मंदिर पर धाकड़ विकास समिति दिगोद की आम सभा आयोजित की गई, इसमें समिति के द्विवार्षिक चुनाव भी संपन्न किए गए। कोटा के सरोला गांव में संगीत में श्रीमद भगवत कथा का आयोजन चल रहा है। कोटा के हनोतिया गांव में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती पर शोभायात्रा और भंडारे का आयोजन किया गया। दौसा के सिकंदरा के रेटा गांव के पास में पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों से तेल चोरी करने वाले चार लोगों को पकड़ा। दौसा जिले के लालसोट के गांव शिवसिंहपुरी में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई। रात्रि चौपाल में सरकारी अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। यहां बिना भेदभाव के पूरे क्षेत्र में 7 घंटे लगातार बिजली सप्लाई करने के निर्देश भी दिए गए। दौसा के लालसोट में दलित समाज की ओर से दलित सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव जितेंद्र कोठवाल थे। पाली के रोहट में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह चौधरी ने जनसुनवाई की। यह जनसुनवाई प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा में बदल गई। इस दौरान किसानों ने नेड़ा बांध में फैक्ट्रियों से दूषित पानी छोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मंत्री ने रोहट क्षेत्र में पेयजल की समस्या पर चिंता जताई और उसके जल्द ही पुख्ता समाधान का भरोसा दिलाया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पट्टी बांधकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। झालावाड़ में मनोहर थाना के लसूरिया शाह में आरएसएस शाखा का वार्षिकोत्सव मनाया गया। झालावाड़ जिले के डग में जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जैन मुनि संत नवरत्न सागर के देवलोक गमन पर बंद रखा गया। संत का मध्य प्रदेश स्थित भोपावर तीर्थ में अग्नि संस्कार हुआ। झालावाड़ जिले के चौमहला ग्राम पंचायत में विभूषी रामानंदाचार्य के 717वीं जयंती यहां पर मनाई गई। झालावाड़ जिले के कवलदा में खुद सरपंच स्वच्छता मिशन को साकार करने के लिए जुट गए। वो स्कूलों में बच्चों को अभियान से जोड़ रहे हैं। इसके तहत पंचायत क्षेत्र में लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अलवर के राजगढ़ स्थित अवधूत आश्रम में भगवत पुराण कथा का आयोजन किया गया। अलवर के राजगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ रैली निकाली गई। इस रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के बाबिली गांव में आरोग्य राजस्थान शिविर की शुरुआत हुई। अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति के थाना गांव में पेयजल की समस्या दूर होने की उम्मीद एक बार फिर से धूमिल हो गई है। बोरिंग खोदने के बाद भी पानी यहां नहीं निकला। गांव में पीने के पानी की समस्या लंबे समय से है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा। यहां भूजल वैज्ञानिक की बताई गई बोरिंग
पर खोदना शुरू किया गया, लेकिन 1000 फीट तक खुदाई के बाद भी बोरिंग से पानी नहीं निकला। अलवर के रेबारपुरा गांव में पेयजल के इंतजाम नहीं है, ऐसे में लोग पीने के पानी के लिए परेशान। परेशान ग्रामीण जलदाय विभाग के एक्सीएन के दफ्तर पहुंच गए, उन्होंने गांव में हैंडपंप लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। चालोर के सायला के अवलोज ग्राम पंचायत में वासन ग्राम में पानी की सप्लाई के इंतजाम नहीं है, ग्रामीणों को जलदाय विभाग से सप्लाई दुरुस्त करने की मांग भी की गई है, लेकिन समस्या को लेकर कोई गंभीर दिखाई नहीं देता। चालोर की ग्राम पंचायत पोषणा में जीवाना भीनमाल मेन रोड इससे बदहाल हो गई। रोड पर फैले कीचड़ से लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है, गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जालौर के सायला उपखंड की जीवाणा उप तहसील क्षेत्र में पटवारियों के पद खाली पड़े हैं। यहां उप तहसील क्षेत्र में पटवारियों कुल 8 पोस्ट है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही पटवारी नियुक्त हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। पटवारियों की कमी से किसानों के काम नहीं हो पा रहे, ग्रामीण जल्द ही पटवारियों की पोस्ट भरने की मांग कर रहे हैं। चालौर के थलवाड़ ग्राम पंचायत के ब्लॉक स्तरीय टीम ने यहां पर शौचालय निर्माण के काम का निरीक्षण किया। शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जा रहे हैं। शौचालय बनाने का लक्ष्य पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करवाना है। प्रतापगढ़ के सिलाखेड़ी गांव के पटवार भवन को पटवारी का इंतजार है जो खत्म नहीं हो रहा। इस पटवार भवन को बने कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। काम का शुरू नहीं होने से पटवारी यहां पर नहीं बैठता, ग्रामीणों के काम नहीं हो पा रहे। प्रतापगढ़ के सिमरड़ा गांव में अफीम की फसल पर काली मस्सी रोग का प्रकोप है, अफीम काश्तकारों की चिंता बढ़ गई। काली मस्सी रोग के कारण अब किसान परेशान है, प्रशासन की तरफ देख रहा है। प्रतापगढ़ के सिलाखेड़ी गांव में बना अटल सेवा केंद्र लोगों के काम नहीं आ रहा। दरअसल सरपंच और ग्राम सचिव इस अटल सेवा केंद्र में बैठते ही नहीं है, ऐसे में ग्रामीणों को अपने कामों के लिए भटकना पड़ता है। अजमेर के घूघरा में नवनिर्वाचित सरपंच पूजा भंसाली ने कार्यभार ग्रहण किया। सरपंच के कार्यभार ग्रहण समारोह में बीजेपी के नेताओं ने शिरकत की। अजमेर के मसूदा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक समीक्षा बैठक हुई। झुंझुनू के मलसीसर में अटल सेवा केंद्र पर आरोग्य राजस्थान अभियान के तहत चिकित्सा शिविर लगाया गया। झुंझुनू के ग्राम पंचायत वाहिदपुर में आरोग्य राजस्थान शिविर लगाया गया। झुंझुनू के गांव चिराना की बेटी भूमिका ने गांव का नाम रोशन किया है। भूमिका ने स्टेट लेवल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। भूमिका ने कामयाबी सीकर में हुई प्रतियोगिता में हासिल की। झुंझुनू में गाला पंचायत की पूनियों की ढाणी में राजकीय प्राथमिक स्कूल को नया भवन मिल गया है। सांसद ने नए भवन की सौगात दी और इस मौके पर सांसद ने गांव के विकास कार्यों के लिए सांसद कोटे से 4,60,000 रुपए देने की घोषणा की। सिरोही जिले के दत्ताणी गांव में ऐतिहासिक युद्ध स्थल समरा देवड़ा के छतरी पुरातत्व विभाग की अंधेरी का शिकार। समरा देवड़ा यहां पर युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उपेक्षा के चलते इस ऐतिहासिक स्थल पर अवैध कब्जे हो गए। सिरोही जिले के दंतराई में नीम हकीमों का जाल फैलता जा रहा, नीम हकीम दुकानें खोलकर ग्रामीणों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। नीम हकीमों के बारे में चिकित्सा विभाग को भी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। सिरोही जिले के मकावल में जीएसएस पर लाइनमैन की कमी है। छोटे मोटे फॉल्ट के लिए ग्रामीण प्राइवेट लाइनमैन से काम करवाते हैं, दुर्घटनाएं भी कई बार हुई हैं। सिरोही जिले के भटाणा में दूध उत्पादक सदस्यों को वर्ष 2014-15 का लाभांश बांटा गया। उदयपुर के कुरावड़ क्षेत्र में पियावड़ी फला गांव में एक आदमी की मौत के बाद घर वालों ने ही उसका दाह संस्कार करने से मना कर दिया।
गांव का रहने वाला जगा मीणा घर वालों से मनमुटाव के चलते गांव से दूर रहता था। बीमारी से मौत के बाद में उसकी पत्नी शव को लेकर गांव आई, लेकिन ग्रामीणों के साथ ही परिवार वालों ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया। इस पर जगा की पत्नी और बेटे ने अकेले अंतिम संस्कार किया। उदयपुर के मावली में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से महाराणा प्रताप वाटिका में आयोजन किया गया। उदयपुर के सेमारी स्थित कस्तूरबा आवासीय स्कूल की छात्राओं ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बूंदी में हुई थी, जिसमें मेवाड़ संभाग की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। उदयपुर के लसाड़िया रोड पर कालीभीत गांव के पास में एक टेम्पो पुलिया से खाई में गिर गया। उदयपुर के वल्लभ नगर में पंचायत समिति के सभी सरपंच संघ की बैठक अटल सेवा केंद्र में। भिंडर सरपंच ने जिला परिषद के सिर्फ 50 लाख रुपए मिलने पर असंतोष जताया। उदयपुर के भातसोड़ा में श्रीमाली समाज तड़वारा की आम सभा आयोजित की गई। भीलवाड़ा के कोटड़ी में जय गुरुदेव संगत का सत्संग आयोजित हुआ। भीलवाड़ा के बनेड़ा में हितकारी मंच की ओर से बस स्टैंड पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के मनिया में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक आदमी को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के वसेड़ी में क्यारपुरा गांव से लापता बच्चे की लाश गांव के पास पानी के गड्ढे में मिली। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिन तक बच्चे को गांव के आसपास ही छुपाकर रखा। इस दौरान पुलिस की लापरवाही पर ग्रामीणों ने रोष जताया। धौलपुर जिले के सेपों में बदहाल सड़कों की सुध नहीं ली जा रही, लोग परेशान। धौलपुर भरतपुर रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा मिलने के बाद भी समस्या जस की तस है। धौलपुर जिले के बसई नवाब के उप तहसील भवन का अटका हुआ काम शुरू होने में कानूनी अड़चनें आ गई हैं। अब यहां के ही एक किसान मुकेश त्यागी की अपील पर अदालत ने काम पर रोक लगा दी है। अदालत के फैसले तक भवन निर्माण पर रोक रहेगी। 2 साल पहले इसके लिए 27 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी जारी की गई थी, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में फिर से 2 करोड़ की स्वीकृति आने के बाद काम रोक दिया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।